आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सोमवार को FST की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब परिवहन करते हुए वाहन और शराब जब्त की है। नायब तहसीलदार राहुल डावर और अनिल मोरे ने बताया कि सुबह 5 बजे महेश्वर निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल रूम में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि कसरावत की ओर से बुलेरो वाहन से अवैध शराब परिवहन करते हुए महेश्वर की ओर ले जा रहा है। जब वाहन रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन नहीं रुका तो वाहन का पीछा किया गया, जिसके बाद नहर के पास अवैध परिवहनकर्ता वाहन छोड़कर भाग गए। SDM राजावत के निर्देश के बाद अवैध शराब के 155 नग अंग्रेजी बिया, जिसकी कीमत लगभग 15,900 रुपये, SDM ने थाना प्रभारी को धारा 34/2 एवं वाहन को राजसात करने के निर्देश दिए। सर, एक दारू वाला एक प्रकरण बना है, क्या पूरा मामला? आज सुबह हमारे जो नायब तहसीलदार हैं अनिल मोरे और राहुल डावर, इनको किसी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो FST टीम को लेकर इनके द्वारा वो जो सूचना में जो स्थल बताया गया था वहाँ गए ही है, तो वहाँ पे इन्होंने एक वाइट बुलेरो देखी और उस वाइट बुलेरो का पीछा किया। पीछा करने पर ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया और उसमें 109 लीटर जो शराब थी उसको पकड़ा गया, 159 बोतल हैं और उसको थाना प्रभारी सुपुर्दगी के लिए दिया गया है और आगामी आवश्यक कार्रवाई जो भी है उसको आगामी कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को भी सूचित कर दिया गया है, क्योंकि अभी निर्वाचन का समय है तो आचार संहिता को देखते हुए कलेक्टर महोदय को भी सूचित किया गया। किन किन लोगों पर इस मामले में कार्रवाई होगी? इस मामले में तो अभी देखा जाएगा कि ये शराब किसको इशू हुई थी, तो कौन था, किसके नाम ये चालान था, तो थाना प्रभारी इसके जो भी इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है थाना प्रभारी अपने स्तर से इसको देखेंगे और आगामी कार्रवाई करेंगे।